जो है वो मैं जेल से हो चुकी हूँ आजाद। अभी भी हमारा अशरफ साहब के पेपर चल रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई से भाई। जैसे मम्मा कह रही है सर आहिस्ता आहिस्ता बोले तो हम तो स्पीड पे चलते तो ब्रेक ही नहीं लगाती। अब हैदराबाद आया कहीं जाए ना, इम्पॉसिबल सी बात है यार। अगर पकड़ो ना क्या हो गया। रिपोर्ट्स में जो है वो डेंगू पॉजिटिव आया है। मैं मैं होप करती हूँ कि आप सब भी मजे में होंगे, हम लोग भी मजे में हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और फाइनली आज जो है वो मैं जेल से हो चुकी हूँ आजाद, क्योंकि मेरे फाइनली मिड टर्म जो है वो खत्म हो चुके हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अब जो है वो थोड़ी सी जो है ना मुझे छूट मिल गई, वरना तो मैं पढ़ाई चल रही थी। और तो आज जो है वो मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत रेडी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा भाई, और हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग जो है वो जा रहे हैं हैदराबाद। अब हैदराबाद जाने के जो है वो बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन, हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग जो है वो हैदराबाद निकल जाते हैं। दूसरा रीजन ये कि हम लोगों ने जो वो न्यू कार ले लिए वो नानू लोगों को दिखानी है। तीसरा रीजन ये कि नानू की खुद की तबीयत, माशाल्लाह हमने न्यू कार ले ली। और उसके अलावा भी हाँ, नानू की जो है वो तबीयत खराब है, तो फिर हमने सोचा हम उनको भी देख लें। वो लोग भी हमें बुला रहे थे। असल में हम लोग को जाना था पिछले फ्राइडे, लेकिन मेरे पेपर्स चल रहे थे और मम्मा की भी तबीयत खराब थी, तो हमारा जाना पोस्टपोन हो गया था। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब इस फ्राइडे चल लेते हैं यार, जबकि अभी भी हमारा अशरफ साहब के पेपर चल रहे हैं। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई से भाई। जैसे एक बार बताऊँ ना, तो फाइव में आके ज्यादा पढ़ने लग गया वो, खैर माशाल्लाह। और अभी जो है वो ट्यूशन से आया ही था, मम्मा कह रही है सर आहिस्ता आहिस्ता बोले तो हम तो स्पीड पे चलते हैं, ब्रेक ही नहीं लगाते। तो खैर हम लोग जो है वो सारे रेडी वगैरह सब हो चुके हैं और अब जो है हम जा रहे हैं हैदराबाद। सो लेट्स गो। थे और सबने जो है वो पहले खाना वाना खाया, फिर नानो जो है वो चली गई थी डॉक्टर के पास। फिर वो आई है तो उनको जो है वो डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है वो शायद मलेरिया डेंगू हो सकता है। तो अभी जो है उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया है, तो उनकी रिपोर्ट अब आएगी तो पता चलेगा। वैसे तो खैर अभी नानो की तबीयत अभी जाके अब सही हुई है, हमें देख कर उनसे जो उनका जो है ना हम मतलब हम जब आ गए थे तो वो बहुत खुश हो गई थी कि यार चलो कोई तो आ गया। तो खैर अब जो है वो अब हैदराबाद आया कहीं जाए ना, इम्पॉसिबल सी बात है यार। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं जरा घूमने फिरने, और अब देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। अब बस जा रहे होंगे तो पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो हम लोग आए आइसक्रीम खाने। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो है वो आ गए थे, और यहाँ पर जो है वो सब लोगों ने अपने अपने मन पसंदीदे जो है वो जूस वगैरह सब पी है, और मैंने मामी और शायद ने जो है ख्याल हम सब जो है आइसक्रीम खाई, बाकी सब जूस पिए। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं वलीमे का हॉल देखने के लिए, जो कि पूरा का पूरा कंफर्म हो चुका है, क्योंकि उस वक्त जो है कंफर्म नहीं हुआ था, सिर्फ देख के आए थे, तो अब कंफर्म हो गया है। तो अब जा रहे हैं देखने के कौन सा हुआ कंफर्म। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स हम लोग जो है वो आए थे देखने के लिए कौन सा कंफर्म हुआ है, तो ये हॉल था जो कि कंफर्म हुआ है, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। असल में कल जो है यहाँ पर थी शादी, जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है वो पूरा डेकोर किया हुआ था, तो हम लोग को भी देखने का मौका मिल गया कि यार अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ज्यादा बड़ा हॉल था, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस थी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी, तो खैर हमें मुझे भी ये हॉल पसंद आया और अच्छा था ये। The next day. तो आज मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान फील्ड नहीं, पहले पाकिस्तान की दिखाता हूँ। तो पाकिस्तान फील्ड शेर बच गई। अब पकड़ो ना क्या हो गया। अब इंडिया फील्ड, अब इंडिया फील्ड। Oh,
चला गया दिखी नहीं। अभी पता क्या हुआ? पहले कॉलेज क्या बताना, मैं एक आइसक्रीम लाया मम्मा ने, दूसरी आया इसने ले ली, अब मुझे तो खाने को तो मिले। फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताइए कि नानू की भी तबीयत खराब थी और फिर हम लोग जब यहाँ आए थे तो नानू की तबीयत और ख़राब थी, कभी सही हो रही थी कभी नहीं सही हो रही थी, और अभी रात में तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको वायरल उनकी रिपोर्ट्स भी आनी थी और उनको उल्टियाँ पे उल्टियाँ, उनको उपकाइयाँ पे उपकाइयाँ, उनको फीवर, उनको चिल, सब कुछ हो रहा था। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि एक बार और डॉक्टर्स को दिखा दें और फिर उनकी रिपोर्ट्स भी आई थी, तो रिपोर्ट्स में जो है वो डेंगू पॉजिटिव आया है। मैं पहले ही मैंने बाबा मम्मा इन सबको पहले ही बता दिया था कि नानू की शक्ल से साफ देख के पता चल रहा है कि डेंगू है, और ज़ाहिर जब डेंगू है तो हमें जो है उनको एडमिट भी कराना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स गिरते रहते हैं हमारी बॉडी में, तो ड्यू टू प्लेटलेट्स तो अब उनको जो है वो हम लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं, और आप लोग दुआ करेगा कि मेरी नानू जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और बस अभी जो है वो सब खाना वाना खाएंगे मतलब, और फिर जो है वो शायद ये लोग चले जाएं एडमिट करवाने के लिए, शायद वैसे तो कहीं जाना ही एडमिट कराने के लिए, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है वापस निकल रहे हैं नानू को हॉस्पिटल लेकर, क्योंकि उनको जो है वो एडमिट होना है। सो अब हम लोग जा रहे हैं, मम्मा लोग बाद में आएंगे लेकिन मैं नानू के साथ जा रही हूँ, तो हलाफेज़। मैं मम्मा लोगों के साथ आऊँगा, दीदी जो अभी नानू लोगों के साथ जा रही हूँ क्योंकि अभी उनको रूम सब चाहिए होगा। अब चलते हैं हॉस्पिटल। सो फ्रेंड्स फिर हम नानू को फौरन जो है वो हॉस्पिटल में ले आए थे, और फिर वहाँ पर जो है वो उनके कुछ पेपर्स वगैरह रेडी हुए, उसके बाद जो है वो यहाँ पर उनके जो है वो वेन्स ढूंढ रहे थे, उनकी नसें ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि इनकी जो वेन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतली है, बहुत ज़्यादा बारीक है, जिसकी वजह से उनको इतना नहीं मिल रहा था। खैर फिर बहुत टाइम के बाद मिल गई थी, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नानू को रूम में शिफ्ट कर दिया था। फाइनली हम लोग जो है वो निकल चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, हम लोग जो है 2 बजे निकल गए हैं। नानू को जो है वो साड़ी, हम लोगों ने दवाई वही सब दे दिए, और बस अब उनकी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ड्रिप्स चल रही हैं, तो और अभी जो है वो उनके टेस्ट भी होना है जिसके अंदर पता चलेगा कि कितने प्लेटलेट्स हैं। और खैर अभी बस नानू की वैसे तो खैर कंडीशन पहले से बहुत अच्छी है, और बस ये है कि अब उनकी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर चलता ही रह रहा है, और मेरा जो मतलब हम लोगों का जो है वो रात में निकलना ज़रूरी था क्योंकि इसका भी मंडे को पेपर है, और मेरा भी जो है वो एक अर्जेंटली पेपर आ गया है, क्योंकि वैसे तो मैं पता ही नहीं था लेकिन ग्रुप में मैसेज आ गया था कि आपका एक पेपर है, तो वो मेरा मैथ का ही पेपर है अर्जेंटली, जो कि मेरे 25 मार्क्स का है और मुझे वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिस वजह से मुझे निकलना है, जिस वजह से ज़ाहिर जब वो मैसेज अभी आया था वो मतलब 10 या 11 बजे आ गया था, तो ज़ाहिर है जब वो मैसेज आया तो मैं निकलना।